को तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। जाने तू आ जा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासी हूँ मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। जोड़ने को तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, पावनात्मा। चंगा करने तू आ जा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है।
इतने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। कितने कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे सजाया है। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम इस समय अपने आप को तैयार करते हुए हमारे हृदय में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं विश्वास करते हुए इस समय हम प्रभु येसु की करुणा मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे बीच इस समय विराजमान है। पवित्र वचन कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। दयालु पिता, इस समय आपके हर एक
भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, देश में हमारी शांति और सुरक्षा हो, ताकि हमारे परिवारों को भी सुरक्षा मिल सके हमारे देश के शासकों के द्वारा, और कलीसिया की भी सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में प्रभु आपके द्वारा हर प्रकार की सुरक्षा हमें मिले, और हम अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव के कारण, दुख बीमारी दर्द पीड़ा गरीबी लाचारी के कारण प्रभु हम झेल रहे हैं उसको भी समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु हर समस्या का समाधान आपके पास है, आपके चरणों में आपके शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास के साथ इस करुणा की माला विनती में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों को समर्पित करते हुए प्रभु आपकी दया और करुणा मांगते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराएं, हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, तेरे क्रूस मरण द्वारा, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए, आत्माओं के मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है, जीवन का स्रोत फूट निकला और तेरे पवित्र हृदय से, और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा, हे जीवन के स्रोत, हे जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया, अथा ईश्वरीय दया सारी दुनिया को, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले, अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व, और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर, हमारे लिए अर्पित कर यीशु के पावन हृदय से, यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए, हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में, दया के स्रोत के रूप में बह निकले, बह निकले। हे रक्त और जल, हे रक्त और जल हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों की संबंध पापों की क्षमा देह का जीवना और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। प्यारे प्रभु ईश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक दीनहीन के लिए, हर एक गरीब लाचार के लिए, दयनीय अवस्था में पड़े हुए उन लोगों के लिए, चाहे वह गरीबी के कारण, गरीबी के प्रभु परिस्थितियों के कारण, कर्ज के कारण वो अपने बोझ से दबे हुए हैं। पवित्र वचन कहता है दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। आज कर्ज के कारण उनके पर विपत्तियां हैं, बीमारी के कारण विपत्तियां हैं प्रभु, नाना प्रकार के दुखों के कारण वह विपत्ति को सहन कर रहे हैं प्रभु, लेकिन वह दीनहीन बनकर पश्चाताप करते हुए आंसू बहाते हुए आपकी दुहाई दे रहे हैं प्रभु। उनकी दुहाई आपके पास पहुँचने के लिए और उन्हें प्रभु शांति मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं।
उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु इस समय उन गरीब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रभु, जिनकी दिनचर्या सुबह उठकर प्रभु गंदगियों में, कूड़े करकट में प्रभु उठाना, उनमें खोज करना प्रभु ईश्वर, वो बेचकर दो पैसे लेकर प्रभु येसु अपनी जीविका चलाते हैं, और वह बचपन से ही नशे के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाला नहीं है। प्रभु धन्यवाद देते हैं चुने हुए लोगों के लिए, हमारे पुरोहितों धर्म बहनों के लिए, जो ऐसे समाज के लिए, ऐसे प्रभु बच्चों के लिए कार्य करते हैं, विकलांग बच्चों के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो ऐसे लोगों के प्रभु कृपा से वंचित हैं प्रभु, उन्हें कोई परिवार में भी प्रेरित करने वाला नहीं है प्रभु, उनको अधिकार है शिक्षा के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे वस्त्र के लिए। पवित्र वचन कहता है, तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया तो वह तुमने मेरे लिए किया। प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए, उन लाचारों के लिए, जो शिक्षा से वंचित है, जो अच्छे जीवन से वंचित है, अच्छे भोजन अच्छे कपड़े से वंचित हैं प्रभु, अच्छे समाज से वो वंचित है प्रभु, ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनके जीवन में आइए, आप उनके जीवन में आइए प्रभु, ताकि वह उनका जीवन बदल सके प्रभु, उनके माता पिता उनको प्रेरित कर सके, इसके लिए हम आपकी दया मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्यारे प्रभु येसु, इस समय समर्पित करते हैं जो परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट गया है, अलग अलग जीवन जी रहे हैं प्रभु, सहनशीलता की कमी है, एक दूसरे को सहन करने की क्षमता नहीं है प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, शैतान को हम प्रभु दोष देते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे स्वभाव के कारण हम स्वयं शैतान बन जाते हैं प्रभु,
अपने अहंकार के कारण हम शैतान को अवसर देते हैं प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं पति पत्नी का रिश्ता एक होने के लिए, क्योंकि पवित्र वचन कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। कई बातें हैं, कई कारण हैं प्रभु उन्हें अलग होने के लिए, जिसे वे समझ नहीं पाते हैं, वे स्वयं प्रभु अपने जीवन के कारण बन जाते हैं प्रभु, और बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके लिए सब कुछ संभव है, ऐसे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे माता पिता का साथ मिले। आज ऐसे बच्चों के लिए आपसे करुणा मांगते हैं कि उन बच्चों की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि बच्चों ने पाप नहीं किया है, बच्चे निर्मल हैं प्रभु, बच्चे निष्कपट हैं प्रभु। उन बच्चों के लिए आपसे करुणा मांगते हैं कि उन बच्चों को माता पिता का प्यार मिले, उन बच्चों के कारण माता पिता एक बन जाएं, उनके मन में प्रभु तू अपना आत्मा अपनी दया उड़ेल दे, इसके लिए हम आपकी करुणा मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्यारे प्रभु येसु, पवित्र वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास की कमी के कारण प्रभु वह अपने जीवन में वह चमत्कार नहीं देख पाते हैं, विश्वास के अभाव में प्रभु वह अपने परेशानियों में जूझे रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें विश्वास में दृढ़ बनाइए, विश्वास के द्वारा वह प्रभु अपने विश्वास का फल प्राप्त कर सके, विश्वास के द्वारा वह अपने जीवन में असंभव बातों को संभव होता देखने पाए, विश्वास का वरदान उनके लिए मांगते हैं प्रभु। आपसे करुणा मांगते हैं कि हर किसी को विश्वास का वरदान दीजिए, ताकि विश्वास के द्वारा वह अपने जीवन में हर एक असंभव बातों को संभव होता हुआ देखने पाए, इसके लिए हम आपकी कृपा मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्यारे प्रभु येसु, आज बहुत सारे लोग अपने चिड़चिड़ापन स्वभाव के कारण, अपने कटु शब्दों के द्वारा प्रभु परिवार में, पड़ोस में, समाज में प्रभु व तुच्छ समझे जाते हैं, बुरे माने जाते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज उनके लिए, प्रभु मधुर स्वभाव मांगते हैं, विनम्रता का स्वभाव मांगते हैं, चिड़चिड़ापन को प्रभु दूर कर दीजिए, ताकि वह अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने समाज और कलीसिया के लिए एक उदाहरण बने। सूक्ति ग्रंथ पवित्र वचन कहता है, मधुर बाणी मधुमक्खी का छत्ता है जो मन को आनंद और शरीर को स्वस्थ करता है। चिड़चिड़ापन के कारण प्रभु शरीर रोगी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है। प्रभु ऐसे ऐसे क्रोध के बंधन और चिड़चिड़ापन के बंधन में जो पड़े हुए हैं, कटु शब्दों के द्वारा उनका तिरस्कार होता है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु आपकी करुणा मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। विश्वास करें कि हमने जितने भी निवेदन चढ़ाए हैं, प्रभु ने उसको स्वीकार किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, अधर्म और अपराध हुए, उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से, अपने पावन लहू से, हमें हमारे परिवारों, हमें हमारे परिवारों और हमारे सभी वस्तुओं का, और हमारे सभी वस्तुओं का अभिषेक कर, अभिषेक कर, आपके पवित्र आत्मा द्वारा, आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें, संचालित करें। आमीन, आमीन। हे येसु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे येशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे येशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम येशु के पवित्र रक्त द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने संसार से, तूने संसार से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसके लिए, कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें, जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले, अनंत जीवन मिले। तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा, तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति होती है, हमारी मुक्ति होती है। तेरे पुत्र का पवित्र रक्त, तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है, हमारे पापों को मिटाता है, हमें शुद्ध करता है, हमें शुद्ध करता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, कि उनके शरीर से बहे, कि उनके शरीर से बहे एक एक बूंद, एक एक बूंद
पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगा कर, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना सभा में जितने भी भाई बहन बैठे हैं सबको तेरे चरण में लाते हैं, हमारे एक के जीवन में जीवन को तेरे चरण में सौंपते हैं प्रभु। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख कष्ट बीमारी है, सब कुछ को तेरे चरण में सौंपते हैं। मातृधाम आश्रम की सुरक्षा की मांग करते हैं, तेरे भक्तों की सुरक्षा की मांग करते हैं प्रभु। सबको तेरे चरण में सौंपते हुए इस विश्व में
तेरे राज्य की मांग करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें तेरे प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। तूने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और उसके बलिदान की योग्यता से रोगियों के पाप क्षमा कर एवं उन्हें चंगाई दे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें छुड़ाने हमें बचाने तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति।